नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। द केरल स्टोरी पर बंगाल में लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसके बावजूद ये फिल्म अभी तक वहां के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है। अब इस पर फिल्म एक्ट्रेस सदा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। द केरल स्टोरी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 178.32 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। अदा शर्मा ने इस बात की आशा जताई है कि फिल्म जल्द ही पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में भी रिलीज होगी। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के नेट कलेक्शन की जानकारी भी दी है। पहली तस्वीर में अदा शर्मा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टॉप और स्कर्ट पहन रखा है। दूसरी तस्वीर में वो सफेद साड़ी पहनी हुई और एक हाथी को गले लगाती हुई दिख रही हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अदा शर्मा ने लिखा है, बधाई हो हम सभी को, द केरल स्टोरी की सफलता आप सभी की है। जल्द ही ये पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी, वहीं अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज हो गई है। उन्होंने आगे लिखा है, गौरतलब है कि अदा शर्मा और फिल्म के निर्देशक सुदीप तोसीन हाल ही में कोलकाता में फैंस से बातचीत करने पहुंचे थे। हालांकि फिल्म कोलकाता में रिलीज नहीं होने के कारण वे दर्शकों से बात नहीं कर पाए। इसके पहले अदा शर्मा ने ट्विटर पर कोलकाता विजिट के बाद एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, धन्यवाद कोलकाता, हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, हम आप सभी से मिलने आए थे। मुझे आशा है कि द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में जल्द ही दिखाई जाएगी। जब उन्हें एक फैन ने जानकारी दी कि चेन्नई और कोलकाता में फिल्म की टिकट की अभी बुकिंग नहीं हो पा रही है, तब उन्होंने इस पर निराशा जताई है। तो ये था पूरा मामला। आप भी इस पर अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।